वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परियोजनाएं, जिसमें से कौन कौन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी परियोजना दी थी जिसे हम श्रीनिकेतन परियोजना कहते हैं, और गुड़गांव प्रोजेक्ट क्या था, किसने जो है क्या कहते हैं शांति निकेतन परियोजना दी थी और कब दी थी, किसने दी थी, कब दी थी और किस उद्देश्य से दी थी, इसके बारे में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब होता है बताइए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस दिन सारी योजनाएं हम लोगों ने बताई थी कब हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके आगे मैंने यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट का मार्क भी लगाया था, उसको राउंड भी किया था, कब आया था, रिपीटेडली पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके के हम लोग जो है, आप लोग बताने के लिए रहिए, मतलब बताइए, पीछे मत पलटिए, बताइए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो आज हम लोग सारी परियोजनाओं को डिस्कस करेंगे, जिसमें से यहाँ पर नेट में जो क्वेश्चन आते हैं, होम साइंस नेट में अगर आप देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो जो है आपको या तो इनका सीक्वेंस, आपको सारी जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट्स है वो लगा के दे दिए जाते हैं, और उनको आपको क्या करना होता है, सीक्वेंस में लगाना होता है। या तो क्या कर देंगे, परियोजना और इधर दे देंगे, उनकी डेट्स दे देंगे, उनको क्या किया जाता है, उनको मैचिंग किया जाता है, या फिर डेट्स नहीं देंगे और इधर सारी परियोजनाएं लिख देंगे और क्या कर देंगे, इधर जिसने दी है, जिन लोगों ने परियोजनाएं दी है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी है, बी एन गुप्ता जी ने दी है, उनके नाम लिख देंगे और उसके बाद आपको उनको मैचिंग में लगाना है। तीन तरीके से क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है, ठीक है, तीन चार तरीके से, और ये बहुत ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाने वाला टॉपिक है। यहाँ जो कम्युनिकेशन है, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसमें से दो चीजें, दो तीन चीजें हैं जो पेटेंट है। एक आपका आ जाएगा प्रोग्राम प्लानिंग, जो इस बार आप लोगों ने एग्जाम्पल देख ही लिया, जिस दिन मैंने पढ़ाया था उस दिन भी कहा था, तुम नहीं आई थी, ये आया था शायद, ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग, मतलब कि उससे भी मैंने कहा था, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, 18 तारीख को भी आया था और इस बार जो क्वेश्चन आया, पेपर हुआ है, उसमें भी प्रोग्राम प्लानिंग आई थी, ठीक है, दोनों में प्रोग्राम प्लानिंग आई थी। कम्युनिकेशन मॉडल से क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन मॉडल जो अभी कल हम लोगों ने रिसेंटली खत्म किया है, और कहां से आता है, ये परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट से आता है, प्रोजेक्ट से आएगा, और टीचिंग एड से आता है, टीचिंग एड से इस बार दो दो क्वेश्चन आए हैं, याद है पर्सनल वाला आया था, और कौन सा मॉडल से, कम्युनिकेशन मॉडल का क्वेश्चन कब आया था, 18 जून वाले में, पूरा मॉडल का उन्होंने मैचिंग ही दे दी थी, सारे मॉडल इधर दे दिए थे, और इधर जिसने मॉडल दिया था उनका नाम था, याद है, नहीं याद है, 18 जून के जो पेपर है उसका तीनों किसने देखा है, पूरी प्रैक्टिस जो हमने सॉल्व करवाया है किसने देखा है, तीन ही दिन का है, तीन चार दिन का है, वो चार सीरीज में है, इस बार अरस्तु का आया था ना, अरस्तु का, हाँ एसएसए मॉडल अरस्तु का आया था, मतलब हर बार आता है ये कम्युनिकेशन मॉडल, हर बार आता है, प्रोग्राम प्लानिंग हर बार आती है, प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, बाय द वे कभी छूटिए, अदरवाइज प्रोजेक्ट्स से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और टीचिंग एड्स इस बार भी आए हैं और पहले भी आए हुए थे टीचिंग एड्स, और कम्युनिकेशन में, संचार में और भी चीजें आती है, जैसे कम्युनिकेशन में जैसे किसी टाइप का फॉर्मल इनफॉर्मल पूछ लिया, यहाँ से एक्सटेंशन एजुकेशन के ये, और हाँ एक चीज और एक आता है हमारा इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन थ्योरी, जिसकी क्लास अभी इसके जस्ट बाद हम लोग लेंगे, इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन आता है, और एक चीज और आता है अनुभव का शंकु आता है, ये शंकु ऊपर नीचे दो तरीके का होता है, कभी हम ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, कभी हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, अनुभव का शंकु जिसे हम कहते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक, ये हो गई। और एक्सटेंशन एजुकेशन में आपका क्या आएंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन में आपकी जितनी भी स्कीम्स हुई हैं, इंडिया की जितनी भी स्कीम्स है, हाँ एक स्कीम्स में से जरूर आता है, कोई भी स्कीम्स हो, ठीक, अब स्कीम आपकी पास्ट टू प्रेजेंट आती है, जो स्कीम्स अभी तक चली है, जैसे इस टाइम पे आपको भेजा जा रहा है, उसको पढ़ते हो, नोट डाउन कर रहे हो, कहीं पर पढ़ते हो, सेव कर रहे हो, इस समय डेली आपको भेजा जा रहा है, क्या भेज रहा है, कुछ ना कुछ भेज रहा है ना, इंग्लिश में होता है बट आप उसको समझ लेते होगे ना,
वो जो है उनको समझो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते, यहाँ तक कि आपको वो जो कौन सा पोषण सप्ताह चला था वो पोषण पखवाड़ा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है पखवाड़ा, पोषण पोषण का पखवाड़ा और पोषण सप्ताह वाला, ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आएंगी। देखो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी, फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी करंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल के फील्ड में कोई भी करंट हुआ है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन एजुकेशन में कोई भी स्कीम आई हुई है, नई कोई भी परियोजना आई हुई है, ठीक है, वो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, यानी कि आपसे जैसे सुकन्या योजना हो गई, अभी तक कितने सारे जनधन योजना हो गई, ये कब आया है एनसीपीसीआर, तो अभी उस दिन हम लोगों ने डिस्कस ही किया है, पॉक्सो एक्ट क्या है, इस तरीके की चीजें आपको करनी है, ठीक है। डेट्स मतलब डेट्स आपको याद करनी ही करनी है, कैसे भी करके हो आपको याद करनी है, ठीक, समझ में आ गया। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का समझ में आया कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ठीक। तो अब हम लोग, अरे परियोजनाएं था, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं परियोजनाओं के बारे में, स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोगों को परियोजनाओं में क्या क्या पढ़ना है। परियोजनाएं है तो इसमें पहली परियोजना क्या है, पहली परियोजना आपकी है श्री निकेतन योजना, श्री निकेतन योजना, ठीक। अब श्री निकेतन योजना, इस योजना में क्या था, देखिए इस योजना को किसने किया, कब किया, कब हुई, 1921 में हुई, 1921 में हुई, ठीक है। लेकिन इसके दो डेट्स आते हैं, इसके दो डेट्स आते हैं, 1908 में क्या हुआ था, ये शुरू हुई थी, ठीक है, 19 में शुरू कब हुई, 1908 में हुई थी, और इसको लागू कब हुआ, ये लागू कब हुई, तो लागू ये हुई थी 1921 में, और दोनों डेट्स पूछी जाती है, मोस्टली ये पूछी जाती है 1921 में क्या हुई थी, ये लागू हुई थी, ठीक, समझ में आ गया। और किसने किया था इसको लागू, क्या थी ये योजना, इसको जो है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ये योजना किसके द्वारा लागू की गई थी, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये योजना बनाई गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम श्री निकेतन योजना तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसको हम रूरल, और हाँ इसमें क्या हुआ था, इसमें जो कार्य हुआ था, कार्य क्या हुआ था, ये किसके लिए, कृषि एवं पशुपालन के लिए की गई थी, कृषि एवं पशुपालन के लिए, कृषि एवं पशुपालन के लिए की गई थी, ठीक। और इसमें और क्या हुआ था, कृषि एवं पशुपालन के लिए की गई थी, इसमें और क्या हुआ था, इसमें हुआ था ये कि इसमें रूरल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, इंस्टीट्यूट की स्थापना, ठीक है। क्या क्या हुआ था, कब हुई थी, 1908 में शुरू हुई थी, लागू हुई थी 1900, हाँ 1921 में, बनाई किसने थी, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, इन्होंने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में विकास के लिए लोगों लोग ताकि खेती की ओर ध्यान दे, जो पशु है जो जानवर है उनके आप विकसित करें, उनको सही से रखें, उसके लिए इन्होंने क्या कहते हैं ये योजना बनाई, और इस परियोजना में रूरल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, यानी कि ग्रामीण स्तर पर एक संस्थान की स्थापना की थी इन्होंने, जिसमें कि ये सारी कृषि और पशुपालन के लिए वहां पर चीजें बताई जाती थी और सिखाई जाती थी, ठीक है।
श्रीनिकेतन परियोजना समझ में आ गई? ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया था, जो ग्रामीण लोग थे उनकी जो भी समस्याएं थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनका निस्वार्थ भाव से उस उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने इस योजना को चलाया। कौन सी? श्रीनिकेतन योजना। ठीक है, ये योजना समझ में आ गई। दूसरी योजना कौन सी है? दूसरी है गुड़गांव प्रोजेक्ट। गुड़गांव प्रोजेक्ट, ठीक है, गुड़गांव प्रोजेक्ट को क्यों चलाया गया और किसके द्वारा, क्यों नहीं किसने और कब चलाया? तो गुड़गांव प्रोजेक्ट को चलाया गया 1920 में चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया था किसके द्वारा? ये देखो, पहली बात तो ये गुड़गांव प्रोजेक्ट F.L. Bryan के द्वारा चलाया गया। F.L. Bryan के द्वारा चलाया गया। और कहां पर चलाया गया ये F.L. Bryan के द्वारा चलाया गया? और ये पंजाब के गुड़गांव में, कहां पर? पंजाब के गुड़गांव में ये परियोजना चलाई गई थी। किस लिए चलाई गई थी? ग्रामोत्थान के लिए। ठीक है, वहां के ग्रामीण लोग थे उनके उत्थान के लिए। और एक चीज और, यह है भारत की पहली सरकारी योजना थी। यह क्या है? भारत की पहली सरकारी योजना पूछा जाता है। भारत की पहली सरकारी योजना, हाँ, कैसी थी ये? भारत की पहली सरकारी योजना। और लेकिन ये योजना भारत की पहली सरकारी जरूर है, लेकिन ये कब बनी थी? ये स्वतंत्रता से पहले की, यानी कि जब आजाद नहीं हुआ था भारत, उससे पहले की योजना है। ठीक है, भारत की पहली गुड़गांव प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1920 में चलाया गया। किसके द्वारा? F.L. Bryan के द्वारा चलाया गया। इनका नाम जरूर याद रखना और ये डेट जरूर याद रखिएगा आप लोग। F.L. Bryan 1920 पंजाब के गुड़गांव में ग्रामोत्थान के लिए चलाई गई थी। भारत की पहली सरकारी योजना थी। और कार्य क्या था? गांव की स्थिति को सुधारने के लिए, यानी कि ग्रामोत्थान, यानी कि ग्रामों का विकास, ग्रामीण विकास करने के लिए ये चलाई गई थी। और इसमें और एक चीज और, इसमें एक चीज हुई थी जिसको पूछा जाता है हर बार। इसकी एक विशेषता थी, क्या विशेषता थी इसकी? इसमें इसमें हर गांव में क्या था? हर गांव में, हर गांव में क्या था? एक विलेज गाइड की स्थापना की गई थी। एक विलेज गाइड रखा गया था। ठीक है, हर गांव में एक विलेज गाइड रखा गया जो क्या करता था? गांव के लोगों को गाइड करता था। समझ में आया? विलेज गाइड रखा गया। और ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये जो विलेज गाइड वाला कॉन्सेप्ट है बहुत बार पूछा गया है। किस योजना में विलेज गाइड की स्थापना की गई थी, यानी कि किस योजना में विलेज गाइड बनाए गए थे? तो गुड़गांव प्रोजेक्ट में बनाए गए थे। क्या विलेज गाइड बनाए गए थे? हाँ, एक चीज और, इस योजना का हम नाम याद कर रहे थे, क्या है इस योजना का नाम दूसरा? इसको श्रीनिकेतन योजना कहते हैं, साथ ही में ये याद नहीं आ रहा था। दूसरा इसके नाम आता है कौन सा? दूसरा नाम इसका कौन सा? या शांति निकेतन परियोजना इसको हम कहते हैं, या शांति निकेतन। शांति निकेतन योजना,
ठीक है, इसके दो नाम है याद रखिएगा, ये चाहे श्री निकेतन के नाम से आए चाहे शांति निकेतन से नाम से के नाम से आए, दोनों एक ही है, क्योंकि इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उस इस योजना के अंतर्गत ही, श्री निकेतन योजना के अंतर्गत ही शांति निकेतन की स्थापना करी थी। ठीक है,